Hello, in this video, we are going to solve exercise 1B, a quick recap of exercise 1B. Let's jump on to the questions. Question number one is A necklace priced at $580 is sold for $646. Find the percentage discount. 580 is the mark price, and 464 is the selling price, and we have to find the percentage discount. Now, परसेंटेज डिस्काउंट के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट हमारे पास डिस्काउंट नहीं है तो हम चाहें तो इसी के अंदर डिस्काउंट को रिप्लेस कर सकते हैं उसके फॉर्मूले से विच इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या फिर अलग से डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं जो कि यहां हुआ हुआ है सो मार्क प्राइस इज डॉलर फाइव एटी सेल प्राइस इज 464 फोर सिक्सटी फोर डिस्काउंट वुड बी मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस

इज इक्वल टू डिस्काउंट एज इट इज मार्क इज फोर्टीव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट अब फोर्टी फाइव इधर जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और हंड्रेड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी हमने बेसिकली फाइंड करनी थी सेल प्राइस तो सेल प्राइस अब हम डिस्काउंट के फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस डिस्काउंट अभी हमने फाइंड किया 5.4 डॉलर्स डॉलर का साइन हमेशा नंबर से पहले आता है इज इक्वल टू मार्क प्राइस विच इज 45 डॉलर्स डॉलर माइनस सेलिंग प्राइस 45 फाइव यहाँ प्लस है पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी विच इज डॉलर थर्टी Now let's look at question number 3. During a sale,

अब यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज जो हमें दी हुई है दैट इज सेवन परसेंट वो इन किया इज इक्वल टू डिस्काउंट जो है वो हमें गिवन है फोर्टी नाइन ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट ये हंड्रेड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इट विल बी डिवाइडेड और यहाँ पे स्टूडेंट ने डिवाइड करने की बजाय को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया दैट्स ओके एज वेल तो अगर इसी को देख लें तो सेवन ओवर वन इज इक्वल टू फोर्टी नाइन हंड्रेड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवर मार्क प्राइस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टाइम मार्क प्राइस प्राइस इज इक्वल टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इट विल बी डिवाइडेड और सिंप्लीफाई करके मार्क प्राइस आ जाएगी डॉलर सेवन हंड्रेड सेकेंड पार्ट में हमने सेल प्राइस फाइंड करनी थी उसके लिए हम डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्काउंट इक्वल होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के डिस्काउंट था फोर्टी नाइन मार्क प्राइस हमने फाइंड किया है सेवन हंड्रेड और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है वो एज इट इज रहेगा सेवन हंड्रेड यहाँ पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा हम सॉल्व करेंगे नेगेटिव नेगेटिव से कट कट जाएगा एंड सेलिंग प्राइस वुड बी डॉलर सिक्स फिफ्टी वन इसके बाद प्रैक्टिस नंबर फोर है इसको हम स्किप करते हैं अभी नाउ क्वेश्चन नंबर फोर माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट डॉलर टू सेवेंटी बिफोर जीएसटी एज्यूमिंग दैट जीएसटी एस टी इज एट सेवन परसेंट फाइन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ईथन हैज़ हैजू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन सो जनरल जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो की हमारी जो भी कॉस्ट होती है उसमें एड होता है तो टू सेवेंटी डॉलर इज द कॉस्ट बिफोर जीएसटी और इस पे जब सेवन परसेंट जीएसटी लगेगा तो जीएसटी वुड बी इक्वल टू सेवन परसेंट ऑफ द कॉस्ट विच इज सेवन परसेंट ऑफ टू सेवेंटी सेवन परसेंट कैन बी रिटर्न एज सेवन ओवर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टू सेवेंटी इसे सिंप्लीफाई करें तो जीएसटी हमारे पास आ जाएगा एटीन पॉइंट नाइन डॉलर तो अब जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी माइक्रोवेव ओवन के लिए वो होगी कॉस्ट प्लस हमारा जीएसटी विच इज एटीन पॉइंट नाइन सो डॉलर टू एटी एट पॉइंट नाइन इज टू बी पेड क्वेश्चन नंबर फाइव एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर डॉलर थर्टीन नाइनटी वन इंक्लूसिव ऑफ सेवन परसेंट जीएसटी यानी कि ये जो प्राइस है इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है इंक्लूसिव मीनस इंक्लूडेड सो इस प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड है फाइन अच्छा, दाइस तो जिसको हमने एक्स कह लिया है प्लस जो हमारे पास मार्क प्राइस थी उस पर सेवन परसेंट टैक्स था यानी कि सेवन परसेंट ऑफ मार्क प्राइस और मार्क प्राइस को हमने एक्स कहाी हम को सोल्व करेंगे 1391 X 7 का है 7 100, का मतलब मतलब है है ओवर ऑफ मल्टीप्लाई यानी 7 100 X आ जाएगा अब यहाँ पे हमारे पास एक्स आ रहा है सॉरी डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है डिनोमिनेटर को हमने खत्म करना है डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पे एल सी आएगा 100 से हम तीनों टर्म्स को इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा थर्टीन नाइनटी वन इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड एक्स प्लस सेवन ओवर हंड्रेड एक्स इंटू हंड्रेड ये हंड्रेड और हंड्रेड कट जाएगा और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन थी इक्वेशन में वो खत्म हो जाएगी अब हंड्रेड प्लस सेवन एक्स इज वन ओ सेवन एक्स और एक्स के साथ वन ओ सेवन मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इट तो विल बी डिवाइडेड और हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगी विच इज थर्टीन हंड्रेड डॉलर क्वेश्चन नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे नहीं हुआ हुआ एलसी के आगे आता है अब क्वेश्चन नंबर सेवन है उसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस अ कमीशन ऑफ ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस यानी कि कितना एजेंट ले रहा है कमीशन टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस गिवन दैट द एजेंट सेल्स अ अलर सिक्स फिफ्टी थाउजेंड फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन ही रिसीव्स

ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है उसे एक्स के लिए एस पी ही रहने दें उसकी जगह अब हम इसको ये कर सकते हैं कि ये हंड्रेड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाए और ये टू पॉइंट फाइव एस पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाए और हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी ऑफ द हाउस दिस इज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉरी नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स यूजिंग टेबल वन पॉइंट वन कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेबल गि फॉलोइंग चार्जेबल इनकम नाउ ए पार्ट में हमारे पास जो अमाउंट गिवन है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड है और अगर हम टेबल वन पॉइंट वन को देखें बुक में तो जो फर्स्ट ट्वेंटी थाउजेंड है फर्स्ट ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर टैक्स नहीं है और जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है रिमेनिंग अमाउंट का मतलब थाउजेंड फोर हंड्रेड में से हम ट्वेंटी थाउजेंड निकाल देंगे यानी कि फिफ्टी फोर हंड्रेड तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पे टू परसेंट टैक्स है सो टू परसेंट ऑफ फिफ्टी फोर हंड्रेड का मतलब है टू बाई हंड्रेड परसेंट का मतलब टू बाय हंड्रेड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यही हमारी अमाउंट फिफ्टी फोर हंड्रेड और हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगी विच इज वन जीरो एट सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास गिवन uh, है फिगर दैट इज थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड और हमें जो टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट थर्टी थाउजेंड पे हमने एक फिक्स अमाउंट पे करनी है विच इज टू हंड्रेड डॉलर तो हमने इस अमाउंट में से थर्टी थाउजेंड को निकाल लिया क्योंकि उसकी तो फिक्स अमाउंट हमने टू हंड्रेड पे करनी ही है जो बाकी आता है थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड में से थर्टी थाउजेंड निकाल के उस पे जो रेट हमें गिवन है दैट इज थ्री पॉइंट फाइव परसेंट तो पहले हम थ्री पॉइंट फाइव परसेंट फाइन कर लेंगे तो टू नाइन्टी फोर आ जाएगा तो अब जो टोटल टैक्स है वो ये है कि 30,000 पे तो उसने 200 पे करना ही है फिक्स्ड है ये और जो रिमेनिंग अमाउंट थी 8400 इसका हमने अभी फाइंड किया कि उस पर टू पे करना है तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा इट वुड बी टू हंड्रेड प्लस टू नाइनटी इज फोर नाइन्टी Now, C part. C part में जो अमाउंट हमारे पास है दैट इज सेवेंटी टू थाउजेंड अब सेवेंटी टू थाउजेंड में से जो फोर्टी थाउजेंड है उस पर हमने एक फिक्स अमाउंट पे करनी है विच इज फाइव फिफ्टी और जो रिमेनिंग आता है जो इसमें से माइनस कर लें अगर फोर्टी थाउजेंड सेवेंटी टू थाउजेंड में से जो रिमेनिंग आता है विच इज थर्टी टू थाउजेंड उस पे हमने सेवन परसेंट टैक्स देना है सेवन तो परसेंट इसका कितना बनेगा सेवन परसेंट ऑफ थर्टी टू थाउजेंड क्या बनेगा सेवन ओवर हंड्रेड मल्टीफाई थर्टी टू थाउजेंड विच इज ट्वेंटी टू फोर्टी तो जो फिक्स अमाउंट थी फाइव फिफ्टी उसमें हम ये वाले वाली टैक्स वाली अमाउंट ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स जो उसने पे करना है दैट इज ट्वेंटी सेवन नाइन्टी के नाउ डी पार्ट वन ओ फाइव थाउजेंड अब वन ओ फाइव थाउजेंड में से एटी थाउजेंड पे एक फिक्स अमाउंट है जो कि है थर्टी थ्री फिफ्टी अकॉर्डिंग टू द टेबल जो टेबल वन पॉइंट वन है तो एटी थाउजेंड इसमें से हम निकाल दें ओ फाइव थाउजेंड में से तो हमारे पास आ जाता है ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे जो टैक्स रेट है दैट इज इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट हम फाइंड करेंगे का, तो it would be और अब हम इन दोनों अमाउंट्स को जो फर्स्ट एटी थाउजेंड पे थी और ये अमाउंट इन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट एटी थाउजेंड पे थर्टी थ्री फिफ्टी था और रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे ट्वेंटी एट सेवेंटी फाइव टैक्स था इन दोनों को ऐड इन करेंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स आ जाएगा नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज An एंड एयर कंडिशनर इज सोल्ड फॉर डॉलर सेवन हंड्रेड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव mark price of है air conditioner. तो पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं Air conditioner is sold for this, यानी कि this is the selling price. और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है और जब भी हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो हम उसी के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है मार्क प्राइस

12.5 के साथ मार्क प्राइस मल्टीप्लाई होगा और 100 जो है मार्क प्राइस और 700 दोनों से मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा और इसके बाद हम लाइक like टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे और उसे सिंपलीफाई करेंगे दोनों साइड पे नेगेटिव साइन है नेगेटिव और नेगेटिव कट जाएगा और मार्क प्राइस हमारे पास आ जाएगी डॉलर 800 अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या है

डिस्काउंट था अब अगर ये डिस्काउंट ब्रेक डाउन होके हो कि पहले टेन परसेंट डिस्काउंट हो और फिर टू पॉइंट फाइव परसेंट डिस्काउंट हो तो क्या ये बात इक्वल सेम है ट्वेल्व पॉइंट फाइव हो या फिर टू पीसेस में पहले टेन परसेंट हो टू पॉइंट फाइव परसेंट हो तो डिस्काउंट के केसेस में परसेंटेज के केसेस में ये बात ठीक नहीं है अभी हम देखेंगे कि हमारे आंसर सेम नहीं आएंगे हमारा आंसर सेवन हंड्रेड नहीं आएगा तो हम स्टार्ट करते हैं मार्क प्राइस पे टेन परसेंट डिस्काउंट का मतलब है टेन ओवर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस इज एटी यानी कि डिस्काउंट एटी डॉलर का हो रहा है तो अगर एट हंड्रेड डॉलर मार्क प्राइस है उस पर एटी डॉलर डिस्काउंट हो रहा है तो प्राइस फिर क्या बनेगी सेवन ट्वेंटी और इस सेवन ट्वेंटी पे अगर टू पॉइंट फाइव परसेंट डिस्काउंट हो यानी कि टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सेवन ट्वेंटी यानी कि टू पॉइंट फाइव ओवर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सेवन ट्वेंटी तो डिस्काउंट फिर एटीन डॉलर बनेगा और इस एटीन डॉलर को अगर हम सेवन ट्वेंटी में से सब करें तो जो नई प्राइस आ रही है वो हम देख रहे हैं कि सेवन हंड्रेड नहीं आ रही बल्कि प्राइस सेवन जीरो टू आ रही है तो इसका मतलब है द प्राइस इज नॉट द सेम देन वी हैव प्रैक्टिस नाउस इसको अभी के लिए स्किप करते हैं

फिर उसके बाद सर्विस चार्ज है सर्विस चार्ज टेन परसेंट है जो कि प्लस होता है एंड देन जीएसटी है वो भी प्लस होता है तो मार्क प्राइस जो वन प्लेट ऑफ राइस की है नाइन पॉइंट फाइव जीरो इस पे पहले डिस्काउंट हो रहा है टू पॉइंट फाइव परसेंट इधर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट है टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ मार्क प्राइस यानी कि नाइन पॉइंट फाइव जीरो टू पॉइंट फाइव परसेंट का मतलब है over 100, तो अब जब ये होगा तो इतना डिस्काउंट होगा तो मार्क प्राइस कितनी बनेगी 9.50 में से हम 2.375 सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी ये जो है वो न्यू प्राइस आ जाएगी इसके बाद हमने सर्विस चार्ज एड इन करना है विच इज टेन परसेंट तो सर्विस चार्ज क्या होगा टेन परसेंट ऑफ ये जो अभी हमारी प्राइस आई है इसका तो ऑफ़ सर्विस चार्ज है जीरो पॉइंट सेवन वन तो अब जब सर्विस चार्ज एड हो जाएगा तो हमारी नई प्राइस क्या बनेगी ये जो हमारी प्राइस थी इसमें हम ये वाला सर्विस चार्ज क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो 7.125 प्लस 0.71 तो हमारे पास जो नई प्राइस आ गई वो है 7.8375 अब हमने क्या करना है जीएसटी लगाना है 7% तो जीएसटी क्या है 7% ऑफ 7.8375 जो लेटेस्ट प्राइस आई थी 7 ओवर 100 7.8375 7%, 7 का मतलब है 7 ओवर 100 तो हमारे पास ये आ गई अमाउंट जीएसटी की और जब ये जीएसटी लगा तो नई प्राइस क्या हो जाएगी इस प्राइस में ये जीएसटी हमने प्लस कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एट पॉइंट थ्री नाइन राउंड ऑफ ओके सो दिस इज द प्राइस आफ्टर जीएसटी अच्छा क्वेश्चन नंबर टेन एंड क्वेश्चन नंबर टेन हैज बिन रिटर्न इन डॉटेड फॉर्म तो मैं सोलूशन से देख के ही दे, क्वेश्चन में क्या होगा इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर एनुअल इनकम ऑफ़ डॉलर थाउजेंड अब इस इनकम में से कुछ अमाउंट ऐसी है जो कि माइनस होनी है क्या क्या माइनस होना है चाइल्ड रिलीफ माइनस होना है पेरेंट्स uh, का रिलीफ माइनस होना है सीपीएफ सीपीएफ फंड माइनस होना है और एक आध और चीज है जो टेबल में गिवन है जो कि माइनस होनी है तो बेसिकली जो इन जो टोटल उसकी इनकम दी हुई है दैट इज वन एटी फाइव थाउजेंड और हमें ये क्वेश्चन में बताया गया है कि उसके वन चाइल्ड है टू पेरेंट्स हैं और इसके अलावा सीपीएफ कंट्रीब्यूशंस uh, भी हैं इन चीजों को हमने माइनस कर देना है तो टोटल इनकम में से हमने वन चाइल्ड के लिए फोर थाउजेंड था वो माइनस कर देना है वन पेरेंट के लिए फाइव थाउजेंड था यहाँ टू पेरेंट्स है तो टेन थाउजेंड माइनस कर देना है सीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दी है वो माइनस कर देना है इसके अलावा आई थिंक पर्सनल रिलीफ है जो कि थ्री थाउजेंड है वो भी माइनस कर देना है तो जो टोटल इनकम उसको दी हुई है उसमें से ये सारी अमाउंट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उस पे हमने इनकम टैक्स फाइंड करना है ठीक है अब यहां हमारे पास आ रहा है जिस पे हमने इनकम टैक्स फाइंड करना है। इसमें से जो फर्स्ट वन ट्वेंटी थाउजेंड है उसपे फिक्स इनकम टैक्स है जो कि इतना है तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी इसमें से वन ट्वेंटी थाउजेंड हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा I'm not sure if it is it is 149 or नाइन और वन फोर्टी सेवन क्लियर नहीं है तो uh, it might be a bit बी uh, I might be a bit wrong क्योंकि मुझे इतना clear नहीं हो रहा यहाँ पे तो ये seven लग रहा है और यहाँ ये यह नाइन लग रहा है Anyways तो basically जो total income थी उसमें से हमने reliefs को minus कर दिया उन रिलीव को माइनस करने के बाद जो हमारे पास इनकम आई उसमें से फर्स्ट वन ट्वेंटी थाउजेंड पे जो टैक्स पे फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स है उसके अलावा जो बाकी बचेगा यानी माइनस करके जो आएगा उस पे जो टैक्स है दैट इज फिफ्टीन परसेंट तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ दिस अमाउंट हमने देखना है और ये जो अमाउंट है फिफ्टीन uh, परसेंट का मतलब है फिफ्टीन ओवर हंड्रेड ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और वट एवर ओवर हेयर इज इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास टैक्स आ जाएगा जो रिमेनिंग अमाउंट पे था जो फिक्सड अमाउंट पे टैक्स था वो फिक्स टैक्स था वो ये था और अब हमने जो फाइंड किया रिमेनिंग पे वो ये है इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स आ जाएगा अच्छा क्वेश्चन नंबर इलेवन अगेन इट इज एसटन इन डॉटेड फॉर्म क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स इज अ टैक्स जो कि लगता है एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे और uh, एक फ्लैट है जिसकी जो टोटल अमाउंट वैल्यू एनुअल एनुअल वैल्यू है दैट इज ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड और उस पर टेन परसेंट टैक्स लगना है तो हमने बताना है कि सिक्स मंथ्स के लिए कितना टैक्स होगा तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है बेसिकली उसकी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट एनुअल वैल्यू का मतलब है कि अगर आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो एक साल के लिए रेंट पे दी जाए तो एक साल में आपको कितना रेंट आ जाएगा दैट विल बी नोन एज एनुअल वैल्यू तो जो एनुअल वैल्यू यहां पे दी हुई है दैट इज ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय जो टैक्स रेट है टेन परसेंट का मतलब है ओवर 10 तो ट्वेंटी एट हंड्रेड प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा एक साल के लिए हमने सिक्स मंथ्स के लिए फाइंड करना है तो, तो हम क्या करेंगे हम इसको टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा फॉर सिक्स मंथ्स नाउ द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व Lexus, monthly income of 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 basic salary dollar and a commission of 4 on her sales for the month. जो कमीशन कितना है फोर परसेंट ऑफ हर सेल्स तो यहाँ लिखा भी हुआ है इनकम कितनी है बेसिक सैलरी प्लस फोर परसेंट ऑफ हर सेल्स जो बेसिक सैलरी उसे दी हुई है वो है फोर फाइव हंड्रेड आगे उन्होंने कहा है इफ हर इनकम इज डॉलर फॉर अ पर्टिकुलर मंथ फाइंड हर सेल्स फॉर दैट मंथ मंथ अगर एक पर्टिकुलर में उसकी इनकम ट्वेल्व ट्वेंटी है तो हमने फाइंड करना है कि उसकी सेल्स कितनी हुई तो इनकम की जगह आज का ट्वेल्व ट्वेंटी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इज फाइव हंड्रेड प्लस फोर परसेंट का मतलब है फोर ओवर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सेल्स फाइंड करनी है उसको हम एक्स कह लेंगे अब ये 500 हंड्रेड यहाँ एड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके होगा प्लीज 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 पे पे 100 जो है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ 500 हंड्रेड भी हो रहा है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकेगी हमें पहले इस 500 को डील करना है 500 हंड्रेड यहाँ एड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा और जब माइनस करेंगे तो सेवन आ जाएगा अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 720 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते होते हैं जब इज इक्वल टू दोनों तरफ दोनों साइड पे एक एक टर्म होती है एक एक फ्रैक्शन होती है तो ये 100 720 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ फोर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा सो दिस वॉज अ क्विक रिकाइज वन बी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चेक पॉइंट